करते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है, यह अवसर हम सबके लिए विशिष्ट इसलिए भी है कि भारत के संविधान के ही कारण आज हम सबको एक समान मताधिकार का को मताधिकार प्राप्त हुआ है और हर व्यक्ति को न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त हुए हैं बल्कि भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर एक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इन सभी मूल कर्तव्यों पर भी एक विस्तृत चर्चा के लिए स्पेशल सेशन केवल विधानसभा और विधानमंडल का हम लोगों ने आहूत किया और उसमें बहुत सार्थक और रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन यह वर्ष हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, एक ओर आज़ादी का अमृत महोत्सव और दूसरी ओर चोरी चोरा कि उस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी यह वर्ष है और इस अवसर पर देश के संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सबका जुड़ना और वह भी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण स्थल पर शासन से जुड़े हुए प्रशासन से जुड़े हुए विभिन्न बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से जुड़े हुए पदाधिकारियों का एक मंच पर एक साथ उपस्थित होना एक अद्भुत अवसर हम सबको प्राप्त प्रदान करता है। मैं इसके लिए इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे लेकिन अलग अलग समितियों के प्रारूप को एक रूप देना एक शिल्पी के रूप में कौन इस दायित्व का निर्वहन करेगा और यह दायित्व दिया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी निर्वहन करते हुए अगर आप देखेंगे भारत के संविधान को तो जो मूल प्रति है जब भारत के संविधान भारत के गणतंत्र के शताब्दी वर्ष था उस वर्ष हमें संसद की ओर से उसकी मूल प्रति उपलब्ध कराई गई थी और उस मूल प्रति को देख करके लगता था कि वास्तव में भारत के संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने भारत की सभी भावनाओं को कहीं पर लिपि के माध्यम से और कहीं पर चित्रों के माध्यम से संविधान में उकेरने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। अगर कहा जाए कि भारत की मूल प्रति ही भारत की आत्मा भी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए अंबेडकर स्मारक की आधारशिला के अवसर पर 19 नवंबर 2015 को मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 26 नवंबर की तिथि भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है। और उसके उपरांत हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को भारत में पहली बार संविधान दिवस
के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष पूरा देश इस संविधान दिवस के साथ जुड़ करके भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और अपने संकल्पों को जोड़ने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में देखते हैं, आज जो यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उसने उन सभी भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व किया है जो भारत के संविधान की मूल भावना है और भारत के संविधान की उन मूल भावना का प्रतिनिधित्व है। मुझे लगता है यह किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और भाषा के दायरे में कैद करके नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है, क्योंकि भारत के संविधान का वास्तविक संरक्षक अगर किसी को माना गया है तो अब भारत के नागरिक को माना गया है, भारत के नागरिकों को माना गया है, भारत की जनता को माना गया है। और इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही ये भारत के संविधान के द्वारा इस बात के प्रति हम सबको आग्रही बनाया गया है। और इन्हीं सब भावनाओं का प्रतिनिधित्व आज के उद्बोधन के माध्यम से भी हम सबको प्राप्त हुआ है और इसमें हम सबको जिसमें हम सब इस बारे में देखते हैं कि कैसे इस पूरी भावनाओं को केरने का प्रयास हुआ है। और भारत के संविधान ने भी, क्योंकि जब भारत 1947 के पहले जब भारत की आज़ादी की बात एक निष्कर्ष की ओर पहुंच रही थी तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग, एक बड़ा तबका था जो भारत को भारत के रूप में रखने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके भारत को एक नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने भारत को अलग अलग राष्ट्रीयताओं के समूह के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया था और उस समय उसके अनुरूप षड्यंत्र भी करने के प्रयास किए थे। अंग्रेज अपनी कुटिल चाल चल रहे थे, देश तोड़क ताकतें अपने चालें चल रहे थे, लेकिन एक बड़ा तबका भारत का ऐसा था कि जो भारत को एक भारत के रूप में रखने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ कार्य कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्हें यह दायित्व दिया गया तो उन्होंने देशी रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत को वर्तमान का जो स्वरूप दिया ये हम सबके सामने है। कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा, लेकिन उस कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य को बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, सबकी भावनाओं को समेटते हुए, न जातीय दंगा, न भाषाई विवाद और न ही किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी भाव के साथ ऊपर उठ करके केवल भारत को भारत के रूप में स्थापित करने के उन भावों को आगे बढ़ाने का जो कार्य उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ इन महापुरुषों ने किया था वह आज भी भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर उन भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव दिखना चाहिए। और इस दृश्य से भारत का संविधान हम सबको इन सब भावनाओं के साथ जोड़ता है जिसमें हर नागरिक की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव को एक साथ जोड़ने के लिए निरंतर हमें प्रेरित करता है। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो पहली जो बैठक होती है वह बैठक पहले अधिवेशन के रूप में 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है और उसके बाद जो अलग अलग समितियां गठित हुई हैं उन समितियों के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने के बाद भारत का वर्तमान संविधान एक स्वरूप लेता है। और मैं तो मानता हूँ कि जैसे हम अपने घर में अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं,
भारत के संविधान की उस मूल प्रति को भी हर भारतवासी को अपने घर में रख करके उसको उसी भाव उसी सम्मान के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ को रखते हैं वह हमारी आस्था का प्रतीक होता है, वह हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि का प्रतीक होता है, वह हमें एक अंतःकरण की ऊर्जा देता है। लेकिन हम सबको इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि हर भारतवासी का अपने स्वयं के धर्म के साथ साथ इस राष्ट्र का भी एक धर्म है, और उस राष्ट्र धर्म को जोड़ने की प्रेरणा जिस संविधान से हमें प्राप्त होती है उस संविधान के प्रति भी और सम्मान का भाव हर भारतीय का दायित्व बनना चाहिए, और उस दायित्व को आगे बढ़ाने की दिशा में मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है कि जब भारत तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है तो उतनी तेजी के साथ वे षड्यंत्र भी प्रारंभ होते हुए दिखाई देते हैं जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और इस दृष्टि से हर एक भारतीय को के मन में इन भावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये मुझे लगता है कि भारत का संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर की तिथि को मनाया जाना उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, इस विश्वास के साथ आज का यह संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर आयोजन यहाँ पर भी प्रदेश शासन के द्वारा भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि देश की स्वाधीनता और समाज को जागरूक करने के लिए आज जब भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अमृत महोत्सव के इस आयोजन के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी वर्ष के इस आयोजन के साथ हम संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। तो देश आज अपना 71वां संविधान दिवस मना रहा है जिस